हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गॉड ऑफ वॉर 1 का गेम प्ले करेंगे वन प्लस 7 डिवाइस के साथ। इसके लिए जो सेटिंग्स रखी हैं ये आपके सामने हैं। रिजोल्यूशन को हम 4x पर रखने वाले हैं और सिस्टम में सब कुछ फास्टेस्ट पर है। इन सेटिंग्स के साथ इस गेम को ट्राई करेंगे, देखते हैं गेम कितना बढ़िया चलेगा। गेम की स्टार्ट मेन्यू में फ्रेम रेट 45 के आसपास है। सेम फ्रेम रेट गॉड ऑफ वॉर 2 में भी थी, 4x रिजोल्यूशन पर। 2x पर यहाँ पर 60 FPS मिलेंगे आपको। यहाँ पर गेम की क्लिप में भी 45 के आसपास है और गेम की क्लिप काफ़ी स्मूथ चल रही है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि 40 FPS है। यहाँ पर 39 FPS, अब 60 FPS हो गए हैं। इस डिवाइस के साथ हम 2x के साथ ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये 4x रिजोल्यूशन है और 4x पर काफ़ी हाई ग्राफिक है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक दिख रहे हैं। यहाँ पर गेम की क्लिप में 60 FPS है, फुल क्लिप में 60 FPS थे। स्टार्टिंग के थोड़े से पोर्शन में 45 थे। यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गई है, 50 FPS के आसपास है। अब हो गए हैं 60 FPS। ट्राई करते हैं इसको थोड़ी देर, देखते हैं कितनी बढ़िया चलेगी आगे। 4x रिजोल्यूशन पर क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, काफ़ी शार्प टेक्सचर हैं, काफ़ी अच्छे ग्राफिक दिखाई दे रहे हैं। फ्रेम रेट यहाँ पर नियर 55 है। यहाँ पर गेम थोड़ा सेलेक्ट किया, 34 हो गए थे। अगर इस गेम को आप 2x पर ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेहतर चलेगी, काफ़ी स्मूथ चलेगी 60 FPS पर। 4x पर भी प्लेबल है, कभी कभार आपको हाई फ्रेम रेट मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी फ्रेम रेट था, 24 हो गए थे। इस तरह के हाई टेक्सचर होंगे, जो ब्लास्ट टेक्सचर होंगे, उनमें काफ़ी फ्रेम ड्रॉप होगा और जो नॉर्मल लोकेशन होंगी उनमें गेम लगभग 50 FPS चलेगा। जब भी ये अपने ऊपर से ज़मीन पर मार रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर गेम 60 FPS। यहाँ पर गेम 60 FPS पर है। यहाँ पर 54 के आसपास का फ्रेम रेट, हमेशा आपको सेम फ्रेम रेट नहीं मिलती है। अगर मैं दो बार ट्राई करूँगा तो यहाँ पर फ्रेम रेट अलग मिलेगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था यहाँ पर एक भी फ्रेम रेट नहीं था। अभी गेम काफ़ी फास्ट चल रही है पर थोड़ा बहुत फ्रेम रेट है।
यहाँ पर 60 FPS गेम काफ़ी बढ़िया चल रही है। गॉड ऑफ वार 2 में ये डिवाइस इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था जितना गॉड ऑफ वार 1 में हो रहा है। इस डिवाइस में मैंने गॉड ऑफ वार 2 को ट्राई किया था, उसमें गर्म हुआ था पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना इसमें हो रहा है, और शायद इसी वजह से ये स्पीड थ्रॉटल ज़्यादा हो रहा है। मेरे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर डिवाइस बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं। जिस डिवाइस से मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो 1+6 है, कई बार उसकी कैमरा की फ्लैश लाइट बंद हो जाती है रिकॉर्डिंग के टाइम पर, आज भी होगी मैं 100% श्योर हूँ, हमेशा होती है क्योंकि मेरे रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। रूम एकदम ब्लॉक है और कोई फैन वैन यूज नहीं करता हूँ और एसी वैसी नहीं है इस रूम में, तो इसकी वजह से स्पीड थ्रॉटल ज़्यादा होती है। यहाँ पर गेम नियर 45 FPS था, अभी 45 से 50 FPS, बार बार चेंज हो रहा है, कभी 60 हो रहा है कभी 40, गेम प्लेबल स्पीड पर चल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होने के चांस है, खासकर जब ये ऐसे गर्दन को घुमाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हुआ, 33 FPS हुआ था। मैंने 3X के साथ भी ट्राई किया था, उसमें भी होता है फ्रेम ड्रॉप, उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है पर होता है उसमें भी, गहना लोग अटक जाता है इसमें कई बार, इसको पता नहीं कब फिक्स करेंगे। यहाँ पर 35 हुआ था, फिर से नियर 60 FPS, फ्रेम रेट बार बार चेंज हो रही है तो एकदम एक्यूरेट नहीं बता पाऊँगा। फोर एक्स पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी पर साथ में फ्रेम ड्रॉप भी मिलेगा, अगर थोड़ा सा कम रिजोल्यूशन रखोगे तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पर 60 FPS है। गॉड ऑफ वार 1 की जो ये स्टार्टिंग वाली स्टेज है, जो स्टार्टिंग का गेम प्ले है 1.5 घंटे का, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेंड ड्रॉप मिलने के चांस है क्योंकि यहाँ पर हो रही है बारिश और यहाँ के टेक्सचर भी थोड़े से अलग हैं। यहाँ पर गेम की क्लिप में 60 FPS है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। यहाँ पर जो ये वीडियो है इसमें थोड़ी बहुत लाइन है जो कि सिमुलेटर की तरफ से प्रॉब्लम है, कहीं कहीं पर आपको ये लाइन दिखाई देंगी, बहुत सारी गेम्स में आपको लाइन दिखाई देंगी जो भी गेम्स की क्लिप हैं, उसके अलावा गेम प्ले में इस तरह की लाइन नहीं दिखाई देंगी। पहले इस तरह की लाइन गॉड ऑफ वार 2 में गेम प्ले के बीच में भी थी पर वो बाद में फिक्स कर दी गई थी। फोर एक्स पर यहाँ के ग्राफिक काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, काफ़ी शार्प हैं और यहाँ पर काफ़ी हाई फ्रेम रेट था, गेम काफ़ी लैग किया था। नियर 30 FPS हो रहा है, एकदम से फ्रेम ड्रॉप होने की वजह से गेम काफ़ी लैग हो रहा है, जब भी ये अपनी गर्दन घुमाएगा तो फ्रेम ड्रॉप होने के चांस बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज गेम ठीक ठाक चल रहा है। इसने फिर से गर्दन घुमाई और यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप था काफ़ी, यहाँ पर फिर से फ्रेम ड्रॉप,
मैं ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। ब्लॉक ही नहीं हुआ। यहाँ पर फिर से फ्रेम ड्रॉप 24 FPS हुए थे और फिर से नॉर्मल हो गया, गेम फिर से स्मूथ हो गया है। तो इसी की मैं बात कर रहा था, ये हीटिंग की वजह से OnePlus 6 की फ्लैश लाइट बंद हो चुकी है। यहाँ पर गेम 60 FPS पर है। यहाँ फिर से फ्रेम ड्रॉप, ये जितनी बार गर्दन घुमा रहा है काफ़ी फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। फोर एक्स पर काफ़ी हाई ग्राफिक है और इसमें ये डिवाइस स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। पूरे गेम में स्ट्रगल नहीं करेगा, इस तरह के जो ग्राफिक होंगे सिर्फ फोन में स्ट्रगल करेगा, अदरवाइज काफ़ी बढ़िया चल जाएगा फोर एक्स पर भी। अगर आप फुल परफॉर्मेंस के साथ खेलना चाहते हो तो इस गेम को 2x पर ट्राई करें। नियर 50 FPS है यहाँ पर, किधर कुदा दिया मैंने, ध्यान कहीं और था मेरा। पागल हो गया ये तो ऊपर आते ही। बस भाई बस, अभी शांत कर देता हूँ मैं इसको। नियर 50 FPS चल रहा है यहाँ पर। ये सही नहीं हुआ, नीचे गिर गया, उठ गया वो। पावर वेस्ट कर दी। गेम यहाँ पर नियर 50 FPS है, यहाँ पर ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप नहीं है। 3x पर भी यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप नहीं होते हैं, 3x पर यहाँ पर नियर 60 FPS चलती है गेम।
बार बार नीचे गिर देता है। फोर्टी सेवन एक्सप्रेस थे यहाँ पर। हर बार में सो रहा है। फालतू में गिर गया नीचे। यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप है काफ़ी, 28-27 FPS। तीन बार बटन प्रेस करने के बाद काम किया, 20 FPS है। यहाँ पर फिर से ठीक हो गया है। यहाँ पर गेम की क्लिक में 60 FPS है। इस वीडियो में इतना ही गेम प्ले करेंगे। इतनी वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि वन प्लस 7 में ये गेम कैसी चलेगी।